रुरू एक मृग था। सोने के रंग में ढला उसका सुंदर सजीला बदन माणिक नीलम और पन्ने की कांति की चित्रांगता से शोभायमान था। मखमल से मुलायम उसके रेशमी बाल, आसमानी आंखें तथा तराशे स्फटिक से उसके खुर और सींग सहज ही किसी का मन मोह लेने वाले थे। तभी तो जब भी वह वन में चौकड़ियां भरता तो उसे देखने वाला हर कोई आह भर उठता। जाहिर है कि रू एक साधारण मृग नहीं था, उसकी अप्रतिम सुंदरता उसकी विशेषता थी। लेकिन उससे भी बड़े डी उसकी विशेषता यह थी कि वह विवेकशील था और मनुष्य की तरह बातचीत करने में भी समर्थ था। पूर्व जन्म के संस्कार से उसे झांक था कि मनुष्य स्वभावत एक लोभी प्राणी है और लोभवश वह मानवीय करुणा का भी प्रतिकार करता आया है। फिर भी सभी प्राणियों के लिए उसकी करुणा प्रबल थी और मनुष्य उसके करुणा भाव के लिए कोई अपवाद नहीं था। यही करुणा रुरु की सबसे बड़ी डड्ढी विशिष्टता थी। एक दिन रुरु जब वन में स्वच्छंद विहार कर रहा था तो उसे किसी मनुष्य की चीत्कार सुनाई दी। अनुसरण करता हुआ जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने वहां की पहाड़ी नदी की धारा में एक आदमी को बहता पाया। रुरु की करुणा सहज ही फूट पड़ी डड्ढी। वह तत्काल पानी में कूद पड़ेढ़ा और डूबते व्यक्ति को अपने पैरों को पकड़ डाने की सलाह दी। डूबता व्यक्ति अपनी घबराहट में रुरु के पैरों को न पकड़ डडे उसके ऊपर की सवार हो गया। नाजुक रुरु उसे झटक कर अलग कर सकता था मगर उसने ऐसा नहीं किया, अपितु अनेक कठिनाइयों के बाद भी उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर लाद बदढ़े संयम और मनोबल के साथ किनारे पर ला खड़े डिहा किया। सुरक्षित आदमी ने जब रुरु को धन्यवाद देना चाहा तो रुरु ने उससे कहा, अगर तू सच में मुझे धन्यवाद देना चाहता है तो यह बात किसी को ही नहीं बताना कि तूने एक ऐसे मृग द्वारा पुनर्जीवन पाया है जो एक विशिष्ट स्वर्ण मृग है, क्योंकि तुम्हारी दुनिया के लोग जब मेरे अस्तित्व को जानेंगे तो वे निसंदेह मेरा शिकार करना चाहेंगे। इस प्रकार उस मनुष्य को विदा कर रुरुपूर्ण अपने निवास स्थान को चला गया। कालांतर में उस राज्य की रानी को एक स्वप्न आया। उसने स्वप्न में रुरु साक्षात दर्शन कर लिए। रुरु की सुंदरता पर मुग्ध और हर सुंदर वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा से रुरु को अपने पास रखने की उसकी लालसा प्रबल हुई। तत्काल उसने राजा से रुरु को ढूंढ कर लाने का आग्रह किया। सत्ता में मद में चूर राजा उसकी याचना को ठुकरा नहीं सका। उसने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी रानी द्वारा कल्पित मृग को ढूंढने में सहायक होगा उसे वह एक गांव तथा 10 सुंदर युवतियां पुरस्कार में देगा। राजा के ढिंढोरे की आवाज उस व्यक्ति ने भी सुनी जिसे रुरु ने बचाया था। उस व्यक्ति को रुरु का निवास स्थान मालूम था। बिना एक क्षण गंवाए वह दौदधता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा। फिर हांफते हुए उसने रुरु का सारा भेद राजा के सामने उगल डाला।